सबसे पहली बात तो मैं आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा कि तकरीबन 3 साल या 4 साल के बाद में हमारा ये मुसाफिर का प्रोग्राम हो रहा है। 2019 में इसी अंजुमन के तहत इन्हीं तलबा का यानी कि अपने मदरसे के तलबा का एक मुसाफा हुआ था और मुझे याद पड़ता है कि खुद मैंने ही उस मुसाफे में ये ऐलान किया था कि आइंदा साल 26 जनवरी के मौके पर इंशाल्लाह इसको और बड़े पैमाने पर किया जाएगा, लेकिन हालात और वक्त की नज़ाकत या बदकिस्मती के लिए एक बीमारी कोरोना के नाम से आई और उसने सारा निज़ाम तहस नहस कर दिया। बहरहाल उस बीमारी से अब तक उभरे हैं, निकले हैं और अगरचे काफी हद तक सारे ही इदारे चाहे मदारिस हों या स्कूल हों मुतासिर हैं, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता डगर पर आ रहे हैं। हमारा मदरसा नासिरपुर में पुराना मदरसा है और मैं यहाँ आने से पहले इस मदरसे को जानता हूँ और हमारे कई असातिज़ा बुजुर्ग और सीनियर असातिज़ा यहाँ पर एक लंबे अरसे से माशाल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि 2005 में मैं यहाँ पर आया और 2006 में एक मुसाफा हुआ टांडा बादली के अंदर। आप हजरात मदरसे वाले हैं, तालाबा हैं या मदरसे हैं, मेरी बात मगर ध्यान से सुने और बाकी हजरात उस टांडा बादली के मुसाफे की तरफ से हमारे मदरसे में दावानामा आया। हजरत मुफ्ती बिलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में उससे राय मशवरा किया कि यहाँ पर जो है तलबा जाने हैं हमारे मदरसे के और देखो ये ऐसे ऐसे दावतनामा आया। वो मुसाफा दरअसल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुसाफा होता है। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी रहमत बरकातहू आजकल बीमार हैं और एक बड़े आलिम हैं, हमारी दारुल देवबंद की शूरा के रुकन भी हैं और अपने इलाके में गुजरात या महाराष्ट्र का इलाका है वहां पर बहुत बड़ा इदारा बल्कि बड़े बड़े इदारे और कॉलेज चला रहे हैं। उनकी तरफ से वो मुसाफा होता है और उनकी जबानी में एक बात सुनी, मैं वो भी सुनाता चल। वो बतला रहे थे कि मैं एक मरतबा हरम शरीफ था, वो बतला रहे थे मौलाना, तो वहां पर मैंने जद्दा के अंदर एक मुसाफे में शिरकत की हिफ्ज कुरान के मुसाफे में। उस हिफ्ज कुरान के मुसाफे में जब शिरकत की तो मौलाना फरमा रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने दिल में ये सोचा कि ये मुसाफा हमारे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। मौलाना फरमा रहे थे कि मैंने खाने काबा का पर्दा पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये कुरान के ताल्लुक से जो मुसाफा यहाँ पर मैंने देखा है मैं चाहता हूँ कि इसको इंडिया के अंदर शुरू कर दूँ, आप इसकी तौफीक दे दीजिए और असबाब पैदा कर दीजिए। बहुत पुरानी बात होगी, बहरहाल अल्लाह ने वो दुआ सुनी और वो मुसाफा शुरू हुआ। हिंदुस्तान के तमाम सूबों में अव्वलन अलग अलग मुसाफे होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 मुसाफे होते हैं, मगरबी उत्तर प्रदेश का अलग और मशरकी उत्तर प्रदेश का अलग, और तकरीबन 4-5 किस्म के मुसाफे होते हैं। उसमें कुरान का होता है हिफ्ज का, उसमें जो है तफसीर का मुसाफा होता है, उसमें अरबी खुतबों का मुसाफा होता है, अजान का मुसाफा भी होता है, इसी तरीके से इमामत का मुसाफा होता है, ये कई सारे मुसाफे उसमें होते हैं। बहरहाल मुफ्ती बिलाल साहब ने मुझे बुलाया और वो मुसाफा वही मगरिब उत्तर प्रदेश का मुसाफा था, मौलाना गुलाम मस्तानवी वाला। मैं वहां पर पहुंचा, यहाँ पर से 2 बच्चे गए थे और मैंने वहां पर रंगन देखा और देखने के बाद में मैंने भी अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह इस मुसाफे में हमारे नासिरपुर से भी बच्चे शरीफ हों, आप इसकी तौफीक दे दीजिए। यानी कि जो मौलाना बस्तानवी साहब की तरफ से मुसाफा होता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा मदरसा नासिर जोन के तलबा भी इसमें शरीक हों
और नुमाया कामयाबी हासिल करें उसकी तौफीक दे दीजिए। गालिबा 2006 में वो मुसाफा था, 2009 में जब मुसाफा हुआ, हर 3 साल के बाद होता है, 2009 में जब वो मुसाफा हुआ तो गालिबा बुलंद था, बुलंद उस बुलंद में हम जबरदस्त तैयारी करके गए, बहुत जबरदस्त मेहनत की, मैं भी था मेरे साथ में और असातिज़ा भी थे। और मैं ये वाली बात तलबा को सुनानी चाहता हूँ, चाहे हमारे मदरसे के हो या कहीं के भी हों, इतनी जबरदस्त हमने तैयारी की कि हम 100% उम्मीद लगाए गए थे कि हमारे यहाँ से बच्चे जो है मुसाफे में पोजीशन लाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे तकरीबन 7-8 बच्चों में से एक तारीख भी पोजीशन नहीं आया। बहरहाल ये हमारे अपने इख्तियार में तो है नहीं पोजीशन लाना, ये तो हाकम हजरात जाने, हम किसी किसी नहीं कह सकते। हम वहां से वापस आ गए और आने के बाद अब अगले 3 साल के बाद फिर मुसाफा होना था, 2012 आ गया। 2012 में हम इंतजार करते रहे, दावतनामा आए, पता चले कहाँ है मुसाफा, कुछ पता नहीं चला। पता चला तो ठीक 15 दिन पहले पता चला, और ठीक 15 दिन पहले जब पता चला तो उस 15 दिन के अंदर जो एक मुसाफा था तफसीर कयामी के, उसके अंदर एक जो शर्त लगी हुई थी वो ये थी कि फला पारा है और उस पारे में जो सवाल किए जाएंगे, और इत्तेफाक की बात ये है कि वो पारा पुराने करीब का वो पारा जिसमें से सवाल होने थे वो हमारे यहाँ अरबी चारों के क्लास में बच्चों ने पढ़े नहीं थे, यानी कि उसकी तफसीर सबक के एतबार से पढ़ी नहीं थी। मैंने असातिज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया, हमके भी 15 दिन बाकी हैं, ये मुसाफा सामने है, क्या करना चाहिए। इसमें मेन काम तो ये है कि ये पढ़ाना है बच्चों को, तो पहले तो एक दिन इसी में गुजर गया सोच विचार में, और फैसला ये हुआ कि हमें शिरकत नहीं करनी, वक्त कम है काम ज्यादा। लेकिन उसके बाद में हमारे तलबा को जब पता चला तो तलबा ने दिलचस्पी का इजहार किया, और उसमें मुझे याद पड़ता है हमारे मौलाना दानिश साहब भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, तो ये भी थे और भी थे, इन्होंने दिलचस्पी जाहिर की कि मुसाफा होना चाहिए। मैंने फिर उस्ताद को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया, तो एक उस्ताद थे उन्होंने कहा कि ठीक है और मैं इतना पढ़ा लूँगा, आप इतना पढ़ा लें। वो हमने तकरीबन 12 दिन के अंदर अंदर वो पढ़ाया, एक बार पढ़ाया दो आदमी ने मिलकर, जो तकरीबन कई महीने लग जाते हैं। और उसके बाद में हम तलबा के ऊपर मेहनत करते रहे, और मैं यहाँ पर ये बात याद करता चलूँ कि मेरे साथ में जो असातिज़ा लगे हुए थे वो एक वक्त वो भी आया कि उन्हें घुटने टेक दिए, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी और उतनी बिसात महसूस नहीं हो रही थी। इसके नतीजे में अब हम पीछे भी नहीं हट सकते थे, क्योंकि 13 दिन हमें मेहनत करते हुए हो गए, हमने अपनी मेहनत को बढ़ाया, रात दिन मेहनत एक की, रात के 12-12 बजे तो मैं तलबा को लेकर बैठे रहा, दुआ भी करता रहा, मेहनत भी करते रहे। वहाँ से एक फोन आया मुसाफे की तरफ से कि किसी वजह से तारीख को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। अब ये वाला मुसाफा जो है मसूरी में था गाजियाबाद, 2 दिन तारीख आगे बढ़ गई, हमारी शांति कट गई, हमें बड़ी खुशी हुई थी, इसलिए कि हमें 2 दिन और मिल गए मेहनत करने के लिए, हमारे तलबा भी हमारे साथ थे, हमने 2 दिन और मेहनत की। और सर ये मेहनत कर आगे तलबा को कमी को तैयार करके, और हमने जो है तलबा को भेजा, और आपको यकीन नहीं आएगा गुज़िश्ता टर्म 3 साल पहले की जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, हमारा कोई तालमेल जो है पोजिशन नहीं लाया था, उस जिंदगी की बुनियाद पर इस मरतबा साथ में मैं नहीं गया, साथ में जाना था यहाँ से, लेकिन वो दाग ऐसा लगा हुआ था और इतनी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और डर था बराबर पता नहीं पोजिशन आए कि ना आए, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। और मैंने अपने दो उस्तादों को भेज दिया कि तुम जाओ। मुसाफा शुरू हो गया, उसमें हमारे यहाँ से गालिबन 9 लड़के थे, और मैं बस यही बात बतलानी चाहता हूँ कि एक तालिबे इल्म की पोजीशन आई हिफ्ज़ की फराह में, हिफ्ज़ के मुकाबले में यानी कि एक तालिबे इल्म की पोजीशन आई हदीस की फराह में, हदीस के मुकाबले में, और एक तालिबे इल्म की पोजीशन तफसीर की फराह में, तफसीर के मुसाफे में भी आई। 3 तालिबे इल्म हमारा मदरसा नाफी लोन से, और तीनों के तीनों तीसरी पोजीशन फराह में, अव्वल दौम सौम चारों पंचम 5 पोजीशन होती हैं, 40-40 50-50 लड़के वहाँ पर शरीक थे,
और उनमें से इन 40 लड़कों में से हमारे मदरसा नाजीपुर के 3 लड़के जो है पोजीशन लाए, एक अभी मौलाना अयूब साहब बैठे थे उनके बेटे पढ़ा रहे हैं जुबैर नाम के, एक मेहमान आते के उनकी फैजान है ये हजरात जानते हैं, और एक बच्चा और था हमारा बेटा मिनहाज, ये 3 बच्चे पोजीशन लाए। और उसके बाद में हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर थे लेकिन लाल मतलब किया खबर लग गई थी और हमारे ये हजरात बड़ी खुशी खुशी वहाँ से आ सके। उसके बाद अगली बार मैं आप हजरात को बतानी चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऐलान हुआ था मसूरी के अंदर कि जो अव्वल पोजीशन लाएगा उस बच्चे को उस बच्चे के बाप को जो है उमरा कराया जाए इनाम है। समझ रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर ये शील्ड रखी हुई है तो बहुत छोटी सी है, बड़े बड़े मुसाफों के अंदर बड़ा इनाम होता है और बड़े इनाम में जो है ये इनाम भी होता है कहीं कहीं कि बच्चे को या बच्चे के वालिद को है उमरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हम ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमारा बच्चा जो है अव्वल पोजीशन आ जाए तो इस बहाने से हमें उमरा मिल जाए। दुआ तो हमारी अच्छी थी, नियत भी अच्छी थी, लेकिन जब पता चला कि अव्वल पोजीशन तो मिली नहीं, तीसरी पोजीशन मिली, चलो कोई बात नहीं, सौ हाथ ना लगा सौ हाथ लगे लेकिन लगी तो इसलिए खुशी तो थी, लेकिन बहरहाल वो भी एक ठेस हमारे दिल पर लगी हुई थी कि अव्वल पोजीशन नहीं मिली वरना तो हमें उमरा मिल जाता। वहां से फिर इत्तला मिली कि ये तीनों के तीनों बच्चे ये आज इंडिया कुल हिंद मुसाफा जो अक्कलकुआ जो उसका हेड ऑफिस है जो बड़ा मदरसा है वहीं पर जो है उसके तकरीबन 1-2 महीने के बाद में कुल हिंद मुसाफा होना था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अब वो बच्चे उसके अंदर शरीक होंगे जो अव्वल दोनों सौ पोजीशन लाए हैं पहली दूसरी थी। बहरहाल हम वहां पर पहुंचे थे और मैं वहां पर खुद गया और वहां पर जाने के बाद में हमने देखा मदरसा देखा। लेकिन एक बात यहाँ पर बतलानी चाहता हूँ कि इस मुसाफे से लेके उस मुसाफे तक के दरमियान का जो वक्त था उस मुसाफे में हमने उस मेहनत को कई गुना बढ़ा दिया जो मेहनत हम यहाँ पहले कर रहे हैं। ये वाली बात जरा नोट करने की, जो मेहनत हम यहाँ पर पहले कर रहे थे मगरिब उत्तर प्रदेश के मुसाफे से पहले, अब उस मुसाफे के बाद में जब सोम पोजीशन आ गई और हमें वहां जाना है ऑल इंडिया मुसाफे में, तो हमने अपने उस बच्चों की खासतौर से एक बच्चे की मेहनत को खुद मैंने जो है उसको कई गुना बढ़ा दिया, उसकी तफसील में नहीं बतवानी चाहता। और हद यह है कि वहां जाने के बाद भी हम जो है अपने बच्चे पर मेहनत करते रहे, और भी कुछ थे हमारी तरह जो बच्चों पर मेहनत कर रहे थे। बहरहाल वहां पर पहुंचने के बाद मुसाफा शुरू हुआ, तालिबान चौथे या पांचवे नंबर पर एक तालिबे ने इतना शानदार कुरान पढ़ा, इतना शानदार कुरान पढ़ा, हमारा जो अपना बच्चा था वो आकर मुझसे बोला अब्बी जी मैं तो बात करूंगी नहीं। तो क्यों, इतना अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हैं और तुम भी अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो बात बनेगी। उसके बाद में 11वें नंबर पर जो एक तालिबे आया उसने उससे भी अच्छा पढ़ा जो चौथे नंबर पर आया, यानी कि मैं तुम लोगों को बतलाऊं कि 3 सवाल हो रहे थे, पहले सवाल का जवाब एक लहजे में, दूसरे सवाल का जवाब दूसरे लहजे में, और तीसरे सवाल का जवाब तीसरे लहजे में उस बच्चे ने पढ़ा, और पता ये चल रहा था कि यहाँ पर जो है अब बहुत मुश्किल है। तालिबान 36 या 37 नंबर पर जो है हमारे बच्चे का नाम था, उसके जब नाम आया है तो उसने वहां पर पढ़ा और अपना अंदाज था पढ़ने का, और उसके बाद मुसाफा पूरा हुआ। और जैसे अभी ये हमारी मजलिस है वहां पर एक मजलिस लगी जिसमें इनाम तकसीम होने थे, वहां पर ये ऐलान था कि 3 पोजीशन तक जो है वो उमरा कराया जाए। अब वहां पर मेरी दुआ ये थी कि कम से कम दूसरी या तीसरी पोजीशन यहाँ आ जाए तो कम से कम उमरा मिल जाएगा, लेकिन पता चला कि वहां पर जो है हमारी तीसरी पोजीशन या दूसरी या पहली नहीं आई बल्कि हमारे बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन जो है 7 की आई। वहां पर 10 पोजीशन थी, 10 पोजीशन में से 7वीं पोजीशन हमारे बच्चे ने वहां पर हासिल की। मैं एक बात यहां पर अर्ज करनी चाहता हूं कि हमारे इस मदरसे से ये वाला मुसाफा और उस मुसाफे के अंदर 3 बच्चों की पोजीशन, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से और आप हजरात की दुआओं से, तलबा के साथ देने से, असातिज़ा की मेहनत से, बुजुर्गों की सरपरस्ती से इतना बड़ा कारनामा था
कि शायद एक साथ एक ही मकतबा में तीन बच्चे एक ही मदरसे से अच्छे खासी पोजीशन ला रहे हों, इसकी नजीर जल्दी से नहीं। दूसरी बात मुझे तलबा से कहनी है कि तलबा के अंदर अगर दिलचस्पी हो और असातिज़ा उनके ऊपर मेहनत कर ले तो फिर बड़े से बड़े मार्के को सर किया जा सकता है, कोई चीज हाथ से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है लेकिन मेहनत और मुजाहदे के बाद आती है। हम ये चाहें कि पहली मरतबा में जो है हमारे हाथ में लड्डू आ जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। अल्लाह का दीन और ये अल्लाह की मदद जो है वो मेहनत चाहती है, कुर्बानी चाहती है। तो इसलिए हमारे तलबा को चाहिए, वो चाहे फिलहाल हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले हों या कहीं पर भी पढ़ने वाले हों, वो मेहनत करें। मेहनत मेहनत की जरूरत है। वो मेहनत जो मुसाफा मांगता है या कोई सी भी चीज जो है मेहनत चाहती है, मुझे ये शिकायत है तलबा से और अपने मदरसे के लिए तमाम मदरसों के तलबा से ये शिकायत है। और मैं इसका इजहार कई मरतबा मजलिसों में कर भी लिया करता हूँ कि हमारे तलबा वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जो मेहनत तलबा को करनी चाहिए। नंबर एक, तलबा इसमें खुशगुजार। अगर तालिबिन अपने आप को तैयार करने के साथ मैं फला काम करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसे असातिज़ा फिर उनके ऊपर मेहनत करने वाले मिल जाएंगे कि दोनों के तालमेल से फिर जो है आगे की मंजिलें आसान होती चली जाएंगी और इंशाल्लाह उसको तरक्की मिल जाएगी। तो ये मुसाफा हमारा मुसाफा छोटा सा मुसाफा है लेकिन इसके अंदर जो है अगर मेहनत की जाए तो ये बड़ा बन सकता है। और हम अगर जिंदे बंदे रहे, आइंदा साल जो है हालात साजगार रहे, अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, तो इसको बड़ा भी किया जा सकता है। माशाल्लाह हमारे असातिज़ा या हमारे जिम्मेदार खासतौर से मौलाना मोहम्मद यामीन साहब या हमारे हाफिज मोहम्मद यामीन साहब इन तमाम चीजों को सराहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे तलबा तरक्की करें, वो चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा जो है उनका ताउन करें, उनका साथ दें, उनके ऊपर मेहनत करें। लेकिन मैंने अर्ज किया कि बात दोनों के तालमेल से बनती है। तन्हा असातिज़ा कुछ करना चाहे बात नहीं बनेगी, तन्हा तालिबे कुछ करना चाहे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो मेहनत के लिए तैयार हो और फिर असातिज़ा उनके ऊपर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आज का ये छोटा तालिबे कल के दिन के बाद बड़ा बनेगा।